हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदु की वेज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन मिनी समोसा। इसके लिए हमने ये 250 ग्राम मैदा लिया है, 50 ग्राम सूजी ली है, एक चम्मच हमने चीनी ली है पिसी हुई, एक चम्मच हमने तिल लिए हैं, आधा चम्मच नमक, ये रिफाइंड, और ये हमने नमकीन लिए हैं जो कि मिक्स्ड नमकीन है। ये हमने थोड़ा सा खट्टा मीठा नमकीन, थोड़ा सा भुजिया, थोड़ा सा मोटा भुजिया और इस तरह से अलग अलग वैरायटी को मिक्स कर लिया है। आप अपने पसंद के कोई भी वैरायटीज को मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डो लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने हमारे मैदे और सूजी को एक कांत में छान लिया है। इसके अंदर हम आधे चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम अपना मोयन डालेंगे। इसके लिए मैं एक बार 5 बड़े चम्मच ऑयल के डाल रही हूँ इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसमें इतना मोयन चाहिए होता है कि हमारी इसमें मुट्ठी फॉर्म होने लग जाए। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर चेक करेंगे। ये देखिए, अब ये हमारी इस तरह से मुट्ठी फॉर्म होने लग गई है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल के हमारा डो लगाएंगे। हमें इसे थोड़े थोड़े पानी की मदद से ही गूंदना है क्योंकि हमें थोड़ा सख्ती आटा लगाना है। ये देखिए, हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम इस मिक्सचर को ग्राइंड कर लेंगे और हमें इसे हल्का दरदरा ही पीसना है। ये देखिए, ये हमारा ग्राइंड हो गया है। अब हम इसमें हमारी पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और ये तिल, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमारी ये फिलिंग तैयार हो गई है। आटे के सेट होते ही हम हमारे समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, 15 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए और इसी तरह से मसल के गूंथ लेंगे। ये देखिए, हम एक पेड़ा लेंगे और इसे गोल गोल बेल लेंगे। हमें इसे पूरी की साइज का बेलना है। ये देखिए, हमें इसी थिकनेस में इसे बेलना है। अब हम इसे चाकू की मदद से सेंटर से कट कर लेंगे। एक पीस को उठाएंगे और इसके एक कॉर्नर पर थोड़ा पानी लगाएंगे और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। अब इसके अंदर हम हमारा ये फिलिंग डालेंगे थोड़ी सी। और इसे अच्छे से अंदर की तरफ दबा देंगे। अब हम इसके किनारों पर पानी लगाएंगे। और इसे पीछे से थोड़ा सा फोल्ड करके और सारा चिपका देंगे। और इसे इस तरह से समोसे की शेप दे देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम हमारा अगला समोसा भी तैयार करेंगे। ये देखिए,
एक कॉर्नर पे पानी लगाएंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करके चिपका देंगे। इसमें फिलिंग डालेंगे, इसे अंदर की तरफ दबाएंगे, कॉर्नर्स पे पानी लगाएंगे, पीछे की तरफ से थोड़ा सा फोल्ड करके इसको आगे यूं चिपका देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम हमारे सारे समोसे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने ये ऑयल गरम कर लिया है। हमें इसे ये ज्यादा गरम नहीं करना है, बस थोड़ा सा गरम किया और अब इसके अंदर हम ये हमारी समोसे डाल देंगे। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़े थोड़े लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। इसे हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेकते रहेंगे। ये देखिए, ये हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब इसे हम बाहर निकाल देंगे। इसे हम बटर पेपर पर रख देंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे कितने अच्छे लग रहे हैं। आप भी दिवाली की इस ओकेजन पर इसे बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।